अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 129 अप थल एक्सप्रेस ऑन द लीड ऑफ ZCU 26408 अप्रोचिंग सनामा। और आप देख सकते हैं किस तरह लोग केयरलेसली अनमैन लेवल कसम को पास कर रहे हैं। देखें जी इस भाई के हाल देखें आप, और जैसे गाड़ी आ चुकी है तो अल्लाह खैर ही करें। जी व्यूअर्स, ड्राइवर साहब ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दी है और गाड़ी रुक चुकी है सनामा लेवल क्रॉसिंग पर, और एक बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया है, ट्रैक्टर ट्राली हिट होने से बच गई है। तो ड्राइवर साहब की हालत दिमागी की वजह से यह हादसा, यह ट्रेन हादसे से महफूज रही है, और दूर से ही उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दी थी जिसकी वजह से यह हादसा बच गया है। ZCU 26408 आपको इसका बता चलूँ, ये बिल्कुल अभी रिफर्बिश्ड होकर आया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत बड़े हादसे से बच गया। तो अभी तक ट्रेन ठहरी है और ये देखें जी इस भाई ये काम भी अभी दोबारा से आगे से गुजरने के चक्कर में, मगर एक भाई ने रोक लिया। जी तो माशाल्लाह जैसा लगा दिया ट्रेन ने, अब दोबारा से मूव होने लगी है सनामा रेलवे स्टेशन की तरफ। ये थी 129 अप थल एक्सप्रेस जो कि एक बहुत बड़े हादसे से बच गई है, और इसमें क्रेडिट जाता है ट्रेन ड्राइवर साहब को जिन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बड़े हादसे से महफूज किया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग। आज 4 सितंबर रोज़ एतवार, और ये है जी सनामा का वेदर जो कि आप देख सकते हैं फुल फॉगी, और टाइम है इस वक्त 129 अप के आने का। तो देखते हैं 129 अप कितने बजे पहुंचती है, अभी तक तो इसका टाइम तो हो चुका है और इसे सनामा होना चाहिए, बट कोई पता नहीं चल रहा क्योंकि सिग्नल भी नज़र नहीं आ रहे, और वेदर आपके सामने हद निकाह बिल्कुल ज़ीरो है। तो देखते हैं फिर कहां पहुंची है 129, अंदाज़े पे ही वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ये देखें सिग्नल भी नज़र नहीं आ रहे और ना ही ट्रेन की लाइट नज़र आ रही है। तो आज 129 आपकी लीड पे होगा ZCU 26422। अभी टाइम हो चुका है 9:05, 129 आपका अभी कोई निशान नहीं है, जबकि मेरे अंदाज़े के मुताबिक इसे अभी सनामा होना चाहिए था। लेट्स सी कितने बजे पहुंचती है, अभी तक 128 डाउन भी नहीं पहुंची। जी व्यूअर्स, 129 आप थल एक्सप्रेस ऑन द लीड ऑफ ZCU 26422 अप्रोचिंग सनामा। अभी मैंने इसका विसल सुना है, सो आई थॉट टू कैप्चर इट। तो गाड़ी तो अभी विजिबल नहीं है, बट इसका विसल सुन के वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने। अभी तक खामोशी के आसार हैं बिल्कुल। वंस अगेन आप वेदर चेक करें, इट्स थिक फॉगी वेदर।
आउट हेयर और किसी को मालूम नहीं कि ट्रेन आने वाली है बिकॉज लाइट्स तो विजिबल हैं ही नहीं बिल्कुल. यू कैन से द विजिबिलिटी इज़ ज़ीरो राइट नाउ. अच्छा तो भाइयों आपसे गुजारिश है कि रेलवे ट्रैक पे मत बैठा करें क्योंकि वेदर आपके सामने है. एक तो ट्रेन की लाइट्स का भी पता नहीं चलता और समटाइम्स ड्राइवर विसल भी नहीं करते. दैट्स यू 20 तो ये ना हो कि आपकी जान को कोई खतरा हो. जी तो व्यूअर्स अभी तक मुझे लगता है गाड़ी बहुत स्लो आ रही है सो लाइट्स विजिबल नहीं हुई ना ही ट्रेन का कोई विसल आया. अब हल्का सा विसल सुनाई दे रहा है. वैसे इस मौसम में जिस तरह की कंडीशन है विजिबिलिटी ज़ीरो है तो ड्राइवर साहब को भी चाहिए कि कम से कम स्पीड रखें क्योंकि उनके लिए भी थोड़ा बहुत खतरे का सबब हो सकता है अगर ज़्यादा स्पीड में वो जाते हैं तो. जी व्यूअर्स माशाल्लाह ड्राइवर साहब स्टाइलिश विसल लगा रहे हैं सो इन्जॉय करें. फॉगी वेदर में स्टाइलिश विसलिंग तो आप खुद समझदार हैं कि सर्दी में एक तो वेदर फॉगी हो तो मज़ा दोबारा हो जाता है. सो आई वुड लाइक टू से दैट वाज अ परफेक्ट एक्शन. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स 129 अप थल एक्सप्रेस ऑन द लीड ऑफ ZCU-20 अप्रोचिंग सनामा इन थिक फॉगी एंड स्मोगी वेदर. ZCU-20-6405 is on the lead of 129 Upthal Express. पेट्रोलिंग वाले भाई इस वक्त ड्यूटी पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये सो कॉल्ड जो गेट है इन्होंने बनाया हुआ रस्सी जो लगाई हुई है इनको बंद किया जाए. और ट्रेन की विजिबिलिटी अभी तक ज़ीरो है लाइट नज़र नहीं आ रही बिल्कुल भी सो अंदाजे पे ये गेट बंद कर सकते हैं यानी रस्सी लगा सकते हैं. सो लेट्स सी के ZCU-20-6405 129 अप कितनी स्पीड में जाती है. वाओ 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 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन फॉगी वेदर दैट्स ऑसम.